नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूँ प्रियंका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दमोह से, जहाँ सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया। इस पूरी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दमोह से हमारे संवाददाता राजेंद्र तिवारी। जी राजेंद्र, आपके दमोह से एक खबर आ रही है जहाँ ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरा है। क्या है पूरा मामला और कहाँ का है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बटियागढ़ छतरपुर मार्ग पर चुलारी पुलिया से नीचे गैस की टंकियों से भरा ट्रक गिरा, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। जी जी, तो ये हादसा कैसे हुआ? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, बटियागढ़ छतरपुर मार्ग पर अंधा मोड़ होने के कारण और रोड पर ढलान होने के कारण आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। पहले भी एक हादसे में 2 लोग ट्रक हादसे में तो काल के गाल में समा गए हैं। जी ये हादसा कितने बजे का और कब का बताया जा रहा है? जी घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे टंकी गैस की टंकियों से भरा ट्रक नीचे गिरा। अंडेड डाल और बटियागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। जी जी, जो घायल हुए वो कौन थे? जी मैं बताना चाहूंगा, ये ट्रक गाजियाबाद से जबलपुर जा रहा था खाली गैस की टंकी लेकर, जिसमें बड़ा हादसा होते होते चला है। अगर गैस की टंकियां भरी होती तो बड़ा विस्फोटक भी हो सकता था। बिल्कुल, हम आपसे ये पूछ रहे थे कि ये जो 3 लोग घायल हुए वो कौन थे? क्या ट्रक में ही मौजूद थे, आसपास हादसे क्या शिकार हुए हैं? ये गैस कंपनी जो टंकियां गैस की जा रही थी गाजियाबाद से जबलपुर, उसी कंपनी द्वारा ही जबलपुर जा रहे थे, ट्रक में सवार लोग थे। जी अच्छा, ट्रक ड्राइवर का क्या है? ट्रक ड्राइवर चोटे हुआ है या फिर सही है? जी ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जहां ट्रक ड्राइवर का इलाज हो रहा है। वही एक व्यक्ति को भी, 2 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। जी तो ट्रक ड्राइवर का क्या कहना है, किस तरह ये जो हादसा हुआ है? जी घटना स्थल पर जब मौके पर ट्रक मालिक पहुंचे तो उन्होंने बताया है कि मोड़ होने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर किवलारी पुलिया से नीचे गिर गया है, जिसमें ट्रक के फरकच्चे उड़ गए हैं और अगर गैस की टंकियां भरी होती तो बड़ा विस्फोटक भी हो सकता था। बिल्कुल, तो ये जो पुलिस को जो सूचना दी गई, पुलिस का इस पूरी घटना पर क्या कहना है? जी पुलिस ने बताया है कि यहाँ पर देर रात एक ट्रक जो केवलारी पुलिया से नीचे गिरा है, उसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की सहायता से घायलों को उपचार के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। जी जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आए दिन उस पुलिया से घटना होते रहते हैं, तो उस पुलिया को मैं कोई सुधार नहीं किया जा रहा, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? प्रशासन द्वारा उस पुलिया पर रेलिंग न होने के कारण ये हादसे हो रहे हैं, तो वही दूसरी ओर रोड पर ढलान होने के कारण भी लोग रोज ये हादसे हो रहे हैं, जिसमें ट्रक हादसे में पहले भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है इसी पुलिया पर। जी इस पूरी बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। घटना मोड़ की वजह से हुई है। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग घायल हुए हैं। कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रही थी? गाजियाबाद से आ रही थी और जबलपुर जा रही थी। क्या भरा था गाड़ी में? गैस सिलेंडर है खाली वाले। तो ये थे हमारे दमोह से संवाददाता राजेंद्र तिवारी, जो हमें इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ वीके।